तो क्या आपको पता है आपके फ़ोन में एक ऐसी ऐप है जो आपके सारे फ़ोटोज़ और वीडियोस का बैकअप ले रही है और आपको पता भी नहीं है। आपके काफ़ी सालों पुराने फ़ोटोज़ उस ऐप के अंदर हैं, बट आपको शायद ये नहीं पता है कि ऑलरेडी उनका बैकअप हो चुका है। आपने शायद आपके फ़ोन से डिलीट भी कर दिए होंगे, बट उस ऐप के अंदर ऑलरेडी उनका बैकअप है और वो आपकी आईडी पे सेव है। तो उनको कैसे देखना है, कैसे आप उनको डिलीट कर सकते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल, आप देख रहे हैं आरपीएम टेक टिप्स। और दोस्तों, गूगल का फोटोज का अगर आपने नाम सुना है तो आपको शायद पता होगा इसके बारे में, पूरी आपको पता होगा कि कैसे क्या वर्क करता है गूगल का फोटोज जो ऐप है वो। आप इसमें अनलिमिटेड फोटोज जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं क्लाउड में, यानी कि आपकी जो आईडी है एक तरह से, या गूगल की हम बात करें तो गूगल क्लाउड में एक तरह से आपके सारे फोटोज और वीडियोज आप स्टोर करके रख सकते हैं कंप्रेस फॉर्मेट में, यानी कि फुल जो रेजोल्यूशन आपने कैप्चर किया था उसमें नहीं, नॉर्मल साइज में, हाई क्वालिटी में आप फोटोज वीडियो वगैरह रख सकते हैं। अब ये टोटली फ्री है, इसमें कोई लिमिट वगैरह नहीं कि आपकी 15 GB इसमें से यूज़ होगी, जो आपको नॉर्मली मिलती है जीमेल आईडी में वो इसमें यूज़ नहीं होती है। अब मान लो आपको पता भी नहीं होगा, अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी फ़ोटोज़ वगैरह हैं वो सारे ऑलरेडी स्टोर हैं कहाँ पर, आपके फ़ोटोज़ जो ऐप है, फोटोज़ ऐप का आपको कहाँ मिलेगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ही है, इस तरह की वो ऐप का आइकॉन मिलेगा, नीचे लिखा रहेगा फ़ोटोज़, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे फ़ोटोज़, नेट ऑन होना चाहिए आपके फ़ोन में, आपके सारे फ़ोटोज़ यहाँ पर दिखेंगे, जितने भी जब से आपने फ़ोन लिया है जीमेल आईडी पे, जिस आईडी से लॉगिन किया है उस आईडी पे जितने भी फ़ोटोज़ स्टोर हैं ऑलरेडी बैकअप हो चुके हैं वो सारे आपको यहाँ दिखेंगे। कुछ नए फ़ोटोज़ भी दिखेंगे आपको, कुछ पुराने फ़ोटोज़ भी दिखेंगे। तो इस तरह से आप आपके सारे फ़ोटोज़ को यहाँ पे देख सकते हैं और उनको डिलीट कर सकते हैं, जो मान लो आपने कभी ऐसे ही कैप्चर कर लिए और आपको लग रहा है कि इसको डिलीट करना चाहिए, इसको रखने से कोई मतलब नहीं है, तो आप उनको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और आपके सारे फ़ोटोज़ के यहाँ पे बैकअप भी ले सकते हैं। और ये लिंक होता है, ये जो फ़ोटोज़ वाली जो ऐप है ये लिंक होती है आपकी जीमेल आईडी से, जिस जीमेल आईडी से आपने फ़ोन में आपको लॉगिन किया हुआ है, जो आप प्ले स्टोर पर यूज़ करते हैं, जो जीमेल ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं, जो मेल है आपका वो ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं, उसी से ये लिंक है। तो अगर मान लो आपको फ़ोन में ये देखना है तो इस ऐप के ज़रिए आप देख सकते हैं, और डेस्कटॉप में देखना है तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेस्कटॉप में देखना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आप photos.google.com, इस तरह से आप लिखेंगे और एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो इस तरह का यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इतने सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे, एक तरह से फ़ोटोज़ ऐप इनकी अलग से है गूगल की। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे गो टू फोटोज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। आप साइन इन कौन सी आईडी से करना है, जो आप मोबाइल में यूज़ करते हैं जीमेल के लिए, उस आईडी पे आप लॉगिन वगैरह करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सारे फ़ोटोज़ आपके यहाँ पे जो है शो होने लग जाएंगे, जो भी ऑटोमेटिकली बैकअप हो चुके हैं। अब ऑटोमेटिकली बैकअप होते हैं, जब भी आप वाईफाई कनेक्ट करते हैं आपके फ़ोन में वो ऑटोमेटिकली बैकअप होता है, ऐसा सेट रहता है, बाई डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। तो शायद आपको ये नहीं पता होगा इसलिए मैंने आपको ये जो है ऐप जो है वो बता दिए। अब इसके में एक और कन्फ्यूजन होता है कि इससे कहीं आपका जो 15 GB आपको मिलता है गूगल ड्राइव में वो तो यूज़ नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूँ वो कब यूज़ होता है, जब आप ओरिजिनल फ़ोटो का जो साइज़ होता है वो स्टोर करते हैं, वो आप बैकअप करते हैं। तो अगर नॉर्मली हाई क्वालिटी में करते हैं, जो फ़ोटोज़ के टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसमें करते हैं, तो आपको 15 GB में से यूज़ नहीं होता है। आप हज़ारों लाखों करोड़ों फ़ोटोज़ आप अपलोड कर सकते हैं आपकी जीमेल आईडी पे, फ़ोटोज़ ऐप है उसमें हाई क्वालिटी में, यानी कि नॉर्मल जो क्वालिटी होती है उसमें, ओरिजिनल साइज़ में नहीं। ओरिजिनल साइज़ में वो फिर आप अगर ओरिजिनल साइज़ में करेंगे तो आपका ड्राइव में सही स्पेस लेगा। तो ये सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट है, फ़ोटोज़ के साथ साथ वीडियो भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये एक फ़ीचर है गूगल की तरफ से जो कि आपको मिलता है आपके फ़ोन में। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे फ़ोन में आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फ़ोन में आता है, सभी फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ऑटोमेटिकली ये आती है, गूगल की ऐप है तो आपके फ़ोन में अगर एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर से आएगी। तो बस दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका इस वीडियो के लिए कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जरूर से रिप्लाई करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ, साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जानना जरूरत है वो भी आपको देते हैं उस चैनल पर। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के वीडियोज की लिंक यहाँ पे आ रही है, उनके जरिए लास्ट के वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।